हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। बट देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कल जनरल एंट्री पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री सीख ली थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको समझ में आया। अब आज की वीडियो हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मस्ट है। तो मैंने सोचा कि किसी भी तरह की जल्दी नहीं करते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से, जितनी भी एंट्री आ सकती है डिस्काउंट की, उसको पहले सीख लेते हैं। उसके आगे कोई आपको डिफिकल्ट इतना नहीं है, बस डिस्काउंट की एंट्री अच्छे से सीख लो, उसी में बच्चे फंसते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या आने वाला है जो आज हम लोग करेंगे, वो पेपर में कैसे आएगा या क्वेश्चन कैसे आता है। लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 50,000। ठीक, पहला। उसके बाद उसी में लिखा है गुड्स रिटर्न टू रवि 10,000। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है बेटा पेड टू रवि 38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में दिया होगा। ठीक है, तो अब देखो इसकी एंट्री कैसे करनी है। अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आपको नहीं होना है। देखो कैसे करते हैं। देखो, पहली एंट्री परचेज गुड फ्रॉम रवि, इसका मतलब तो आपको पता होगा, शुरू से कर रहे हो समझ में पता होगा, सामान खरीद रहे हो रवि से। एंट्री क्या होगी बोलो जल्दी से, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में तो है नहीं तो क्या होगा भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि कितने का, 50,000 का। यहाँ लिखो 50,000, यहाँ भी लिखो 50,000, ये हो गया, आसान है ना। ठीक है, नंबर वन। सेकेंड इज़ नंबर टू, गुड्स रिटर्न टू रवि, गुड्स रवि से ख़रीदा कितने का, 50,000 का। अब रिटर्न कर रहे हैं गुड्स किसको, रवि को। अब जो रवि से सामान खरीदा तो एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अब सामान वापस कर रहे हो, एंट्री क्या होगी, इसी को रिवर्स कर दो, रवि जी को ऊपर भेजो, रवि अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट लगाना तो ऐसे लिखना हमेशा। ठीक है, रवि अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे परचेज, बस परचेज में एक काम करना, परचेज के साथ क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का सामान वापस हुआ, 10,000 का। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, तीनों क्वेश्चन एक है, पेपर में इसी तरह आता है, अलग अलग नहीं आता है। ठीक है, तो हम सामान रवि से ख़रीदा कितने का, 50,000 का, रवि को सामान बेचा कितने का, 10,000, सॉरी वापस कितने का किया, 10,000 का। तो अब ये बताओ, 50,000 का सामान था, 10,000 का वापस कर दिया, अब मुझे रवि को कितना पैसा देना है, 40,000, कितना देना है, 40,000। भाई मैंने उधार पे सामान ख़रीदा था 50,000 का, 10,000 का सामान वापस कर दिया, तो कितना देना है, 40,000। लेकिन बोल रहा है पेड टू रवि 38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब रवि को हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं, 38,000 दे रहे हैं, 40,000 नहीं दे रहे, 40,000 की जगह 38,000 दे रहे हैं। यानी कि मैंने सामान ख़रीदा तो मुझे 2,000 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, देना था 40, दे कितना रहा हूँ, 38, यानी कि 38, अब 38 दे रहा हूँ तो यानी कि मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, कितने का मिला है, 2,000 का। अब पैसा दोगे पेड टू रवि इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो पैसा रिसीवर कौन है, रवि, रिसीवर कौन है, रवि, क्या लिखोगे, रवीज अकाउंट डेबिट, मेरे पास से जाएगा क्या बेटा, कैश टू कैश अकाउंट, ख़रीदा था तो हमेशा ख़रीदने में क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब डिस्काउंट कितने का मिला, पे कितना कितना था, 40,000, पे कितना किया मैंने, 38, यानी डिस्काउंट कितने का मिला, 22,000 का, दिया मैंने कितना, 38,000, और पूरा देना कितना था, 40,000।
समझ में आया कि नहीं आया? रवीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इस तरह से आपको करना है। पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, आसान था। तीसरे में सेटलमेंट करना था, 40 देना था, लेकिन 38 ही दिया, तो 38 जितना दिए हो उतना कैश में लिख दो, जितना कम दिए उसको डिस्काउंट रिसीव में लिख दो, टोटल जितना देना था वो परवीज अकाउंट में लिख दो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार एंड क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना और देखना इसको अच्छे से, ठीक है? इसको रफ करूँ, चलो एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ बढ़िया। चलो भाई अब देखो क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स, की बार सोल्ड वाला है, सोल्ड गुड्स टू राहुल 1 लाख फुल स्टॉप। नंबर टू, सोल्ड गुड्स टू राहुल 10,000। फिर है गुड्स रिटर्न टू राहुल 10,000, ठीक है? गुड्स खरीदा राहुल से 1 लाख का, 10,000 का गुड्स वापस कर दिया। आगे क्या होगा? थर्ड पॉइंट, रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 85,000, ठीक है? बस एक सेकेंड रुकना देखो, ठीक है? एक मिनट। हाँ तो बेटा देखो इसकी एंट्री कैसे करनी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें खरीद रहे थे उसमें बेच रहे हो, तो सोल गुड्स टू राहुल 1 लाख का गुड्स बेच रहे राहुल का, कैश का कहीं नामो निशान नहीं, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। राहुल रिसीवर है, जितने भी रिसीवर होते हैं कहाँ जाते हैं? डेबिट में, तो राहुल का अकाउंट डेबिट, ठीक है? गुड्स बेच रहे हो यानी कि इनकम हो रही है, सेल्स अकाउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। राहुल का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का भैया? ए 1 लाख, ठीक है? अब गुड्स रिटर्न टू राहुल, राहुल से सामान खरीदा, अब राहुल को वापस कर रहे हैं, वापस कर रहे हो भैया, तो उल्टा कर दो इसको, रिवर्स कर दो, एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, कितना भाई, कितने का वापस किया? 10,000 का। अब बताओ भाई, 1 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, माइनस किया 10,000, क्योंकि 10,000 का सामान वापस कर दिया, कितना बचा? 90,000, 90,000। अब 90,000 का सामान बचा है बेटा, तो इसकी एंट्री क्या होगी जल्दी से बताओ। तो देखो मतलब सॉरी, 90,000 बचा, तो 90,000 का अब सेटलमेंट वो कितने में कर रहा है? रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट 85,000, यानी कि 90,000 मिलना था, 1 लाख का सामान बेचा था, 10,000 का उसने वापस किया, मुझे 90,000 मिलना था 90,000 रुपये, बट वो मुझे 85,000 दे रहा है, यानी कि 5,000 रुपये मुझे कम दे रहा है, वो हिम्मत देख रहा उसकी, 85,000 दे रहा है, 5,000 मुझे कम दे रहा है। अब कम दे रहा है यानी कि मैं उसको क्या कर रहा हूँ? डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ। सामान बेचूंगा तो डिस्काउंट अलाउ करूँगा, सामान खरीदूंगा तो डिस्काउंट रिसीव करूँगा, यानी कि डिस्काउंट अलाउ। तो एंट्री क्या होगी नॉर्मल बताओ, रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट, रिसीव कैश हो रहा है तो पैसा आ रहा है, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू, दे कौन रहा है, नाम बताओ देने वाले का? राहुल, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, ठीक है? राहुल कितना पैसा देना था राहुल को पूरा? 90,000। कैश में दे कितना रहा है मुझे? 5,000 रुपये मुझे कम दे रहा है, 85,000 दे रहा है। तो अब 85,000 दे रहा है यहाँ पे, 85,000, तो 5,000 रुपये का मैंने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया। क्या किया? डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 5,000। समझे नहीं समझे? समझ गए ना, ठीक है ना, क्लियर है ना कि नहीं? ठीक है, ठीक है, तो इसको रखो, क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसकी प्रैक्टिस करो, जितना मैं दे रहा हूँ उसको लगाओ, ठीक है? चाहूँ तो एक बार में बताया ख़त्म कर दो, बट आपको समझ में आना चाहिए ना, मेन मुद्दा ये है, ये नहीं मैं चाहूँ तो भाई एक ही पार्ट में वन शॉट बनाए ख़त्म कर दूँ, लेकिन आपको समझ में आना, जितना करा रहा हूँ उतना करते जाओ, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगे जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री कर लोगे कैश बुक और GST और आपको जितना भी सब्सिडीज बुक है, ट्रायल बैलेंस, सब एक एक दिन में हो जाएगा, 1 से 2 दिन में सब करवा दूँगा, टेंशन मत लेना। पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो मिड टर्म 1 में आ रहा है, फर्स्ट बुक है, वो मैं आपको करवा दूँगा
अभी से गारंटी देता हूँ 10 अगस्त तक पूरा पहली बुक कंप्लीट करवा दूँगा, गारंटी। 15 अगस्त से पहले एक दिन आगे नहीं जाएगा, मैक्सिमम 15 अगस्त, ठीक है। उसमें आपको कॉमर्स भी करा दूँगा, इकोनॉमिक्स भी करा दूँगा, जितना भी आपका टर्म वन में सिलेबस आ रहा है। तो बस पढ़ते चलो, कोई डाउट हो तो पूछते चलो, और पूरा कोई आगे निकल गया भैया बहुत जल्दी है तो लास्ट के सिलेबस अपलोडेड है, उसको भी पढ़ सकते हो, अकाउंट्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स तीनों, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स भी, ठीक। चलो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक करते हो बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट कर देना कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।